सो गाइस इट्स ऑल ओवर मन्या 117 की बैक टू अगेन विद न्यू ब्लॉग। और जैसे कि गणेश उत्सव था, देवी माता था, नवरात्रि उत्सव था, फिर साईं बाबा, सो मेरा नॉनवेज खाना तो बंद ही हो गया था। और मैं आज रात को मेरे दोस्तों को लेके मुंबई के बहुत दूर, क्योंकि मैं कैप्सा, फ्राइड राइस, चिकन ये सब बहुत खा के बोर हो चुका था, कुछ नया डिशेज और कुछ नया टेस्ट करना चाहता था। इसके लिए मैं अभी जाने वाला हूँ कोई न्यू प्लेस, और मैंने वो ढूंढ लिया और मेरे दोस्तों को मैंने बता दिया आज रात को मैं जाऊँगा, कैसे भी जाऊँगा पर मैं जाऊँगा, और वो व्लॉग अपलोड करूँगा और व्लॉग भी बनाऊँगा और टेस्ट कैसा था वो भी बताऊँगा। और रील्स में बहुत मैंने देखा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी मिला, 24/7 मतलब 24 घंटा चालू रहता है वो, इतना 24 घंटा बहुत मज़ा आने वाला है वे व्लॉग में, देखते हैं। और ये मुंबई में नहीं है, नवी मुंबई में, इतना बता दूँ। एक गाड़ी निकाला, एक ए, एक वो और एक ये और एक ए। और अभी हम लोग जाने वाले जो होटल है ना, बहुत ही अच्छा होटल है और उसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया मुझे, मैंने वो रील्स में देखा था, इसके लिए हम लोग सब जा रहे हैं अभी, है ना सावन ये वाले ब्लॉग में। ये मेरा भाई श्रावण ऋषि, वो जिका ना जगह बहुत पसंद आने वाला, होटल का नाम है खट्टा जो कि नेरल में, बहुत मज़ा आने वाला पूरा व्लॉग देखना, है ना। क्या हुआ ये ऋषि है, श्रावण है, कुछ गंदा कर रहे थे लोग, ये संतोष ओमिया और ये दोनों अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो ये है वो जगह, होटल है खट्टा, प्लेस है नेरल और पूरा ओपन स्पेस है, ओपन फुल ओपन, पूरा ओपन स्पेस है, बाहर से येलो ऐसा का डेकोरेशन किया है, ओपन स्पेस और अंदर का डिज़ाइन दिखा, तो अंदर जाके बाकी के लोग सब पीछे, मैं आगे आ चुका हूँ, आगे का मेरे साथ है। तो ये देखो उसका इंटीरियर, एक ढाबा टाइप है ये एक्चुअली, आदित्य उमा वैशु साइली हम लोग सब पहले आ गया और इन लोग ने ये ड्रॉप कटिंग करके उसका सीट बनाया और ये 24/7 चालू रहता है, 24 एक स्लिप होती अमेजिंग। सामने रोड है, इंटीरियर इसका तो बहुत अच्छा किया और थोड़ा यूनिक है और रील्स पे भी मैंने देखा जाए नेचर में काफ़ी देखने के बाद मुझे का इंतजार करने देख चुका हूँ, उधर आए नहीं है बाकी के लोग सब पीछे मुझे नहीं। इंटीरियर और वॉल डिज़ाइन तो बहुत अच्छे हैं, अभी इन लोग ने अलग कुछ अलग ही किया है, कोई ड्रम है उसको कटिंग करके उन लोग ने सीट का अरेंजमेंट किया है, फिर बहुत कुछ है अलग है। और ये नेरल में अभी खाने का टेस्ट देखने का, खाने का टेस्ट कैसे, पार्किंग का तो दिया, टेस्ट देखना है ना, तो ऑर्डर क्या करने वाला है यहाँ पर, अभी कौन से आइटम मिलते हो तो पता नहीं, रील्स देख क्या है हम लोग, रील्स देख क्या है, देखते टेस्ट कितना, इंटीरियर वक्त तो अच्छा किया है इन लोगों ने। एक बात बता, खट्टा नाम क्यों रखा है वो, देख उसको इतनी भूख लगी है कि उसको देख भाग गई। ये किधर हो गया, किधर इतना लेट कर दिया मेरा दोस्त, किधर इतना लेट कर दिया, अरे पागल मेरे को बोलता है ये होटल है, इसको बता दे तुम क्या है, उधर से ही रास्ता है सीधा, तुम लोगों को इधर से आना चाहिए था, उधर गया, हम लोग इधर कब से वेट कर रहे हैं, चल आ जा इधर से, आओ इधर से, आओ इधर से, आओ इधर से, आओ
ये आना भी भाई, क्या ऑर्डर कर रहे हैं? देख रहा हूँ। श्रावण तेरे मन में क्या है? मेरा भाई तो इधर आ चुका है, ये लोग नया है, लोग के लिए नया है। चल मेन्यू कार्ड में दिखा क्या क्या। बोला किधर गया? तो ये मेन्यू कार्ड में बोला इधर से क्या, इधर से डायरेक्ट घर का रास्ता है। 6-7 किलोमीटर हम लोग ज्यादा बचा। कितना बड़ा मेन्यू कार्ड है इसका? इधर मटन का भी है, सी फूड भी है, और क्या है, मटन सी फूड। ₹200 एक फुल फ्राइड राइस, ₹200 अभी साइड में तो ₹60 डिपेस नहीं जाते थे ये है। ए, तू का है ताले में टिश्यू चोर। ये ऑर्डर दे दे, अभी खाने का टेस्ट दे। तो ये चिकन 65 खट्टा होटल का सर्व करो। कितने लोग खाएंगे इसमें? 5-6 लोग खा लेंगे। 5-6 लोग किधर गया था भाई? अपना दोस्त मेरे लिए। अरे ब्रो न्यू फ्रेंड भाई, यही चोर है वो सबसे बड़ा। अरे देखो टेस्ट कैसा लगा? मिला नहीं क्या? बहुत परफेक्ट है भाई, बहुत परफेक्ट। सबका अलग अलग है। अभी इतना तो छोड़ रहे, इतना तो छोड़। ये स्टार्टर था, ये क्या है? मुर्ग मसाला, बटर नान, बटर नान, बटर नान, पनीर तवा कुर्चन। क्या? पनीर तवा कुर्चन, पनीर तवा कुर्चन। भाई इधर ग्रेवी डाल दो ना, टेस्ट अलग है वो साइड से। हम लोग मेरा में तो बहुत टेस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है और सबका देखते हैं। हां बहुत बेस्ट है, ये एक सेफ है, पता जाएगा कि बहुत बेस्ट। इसको सब्सक्राइब मत करो, डिजाइन ही नहीं, टेस्ट भी खाने का अच्छा है। आदि तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है? इतना दूर आने के बाद एटलीस्ट खाने का टेस्ट तो मिला। एक्चुअली क्या है ना, साइन बाइकल ये सब जगह पे हम लोग ने बहुत बार खाया, और यहाँ पर हमें थोड़ा कुछ अलग ट्राई करना था, तो हम लोग ने कुछ यहाँ पर अलग ट्राई करने के लिए आए और कुछ न्यू ही टेस्ट मिला, अच्छा टेस्ट मिला। फ्राइड राइस बहुत महंगा पड़ा। एक्चुअली साइड में देखा जाए तो 140 में मिलता है, और धाराई में देखा जाए तो 60 रुपीज़ में फ्राइड राइस आ जाता है, पर यहाँ पर इसका 244 रुपीज़ का, फिर 240। पॉइंट ऑफ व्यू कैसा लगा? गुड एंड ऑसम। मजा नहीं आया भाई तेरे को? मैं तो इतना बोल सकता हूँ, इतना दूर आके ना वेस्ट नहीं हुआ। हाँ अच्छा लगा, अच्छा ही लगता है सबको, तुम लोग सब अच्छा ही बोलते हैं। बात करने का बोले तो भाई कितने दिन तक